इंडिया डिन चेंज दी 11, लेकिन नतीजा बदल गया। लेकिन एक और चीज थी जो बिल्कुल नहीं बदली, हैशटैग आकाशवाणी। पहले से बात करते हैं भैया, टीम में बिल्कुल बदलाव नहीं। विराट कोहली वेल डन, कंसिस्टेंट विराट कोहली बॉस। जो पहली मैच में टीम खेली ना, वही टीम, दूसरा वही टीम, तीसरा, तो फिर वो कहते हैं कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, ये हमेशा खिलाड़ियों को अच्छी लगती है। तो कप्तान कोहली ने ये किया, नतीजा बदल गया। पहला हारे थे, दूसरा रहा मतलब अबैंडन मैच रहा, तीसरा मैच जीत गए, तो नतीजा बदल गया। और एक चीज़ वो ये नहीं बदली कि आज तक इंडियन क्रिकेट के इतिहास में तीन मैचेस की जो बायलैटरल T20 श्रृंखलाएं हुई हैं, उसके आखिरी मैच में इंडिया आज तक कभी नहीं हारा। तो उस रिकॉर्ड को एकदम बरकरार रखा है भारतीय टीम ने। किंग कोहली के धुरंधरों ने टॉस जीता, ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग का किया फैसला। सिडनी की ये जो पिच थी ना, ऐसा लगा कि सूरत की पिच थी, एकदम सपाट। और जब मैदान में आपने थोड़ी नजरें घुमाई तो आपको लगा अरे सूरत ही है या सिलीगुड़ी है, क्योंकि 80-85% जो लोग थे वो इंडियंस थे। एक नीला समंदर उमड़ रहा था। टॉस जीत के बैटिंग, अच्छी पिच पे अच्छी शुरुआत, डार्सी शॉट फाइनली केम टू द पार्टी। एरन फिंच भाग्यशाली थे, लेकिन शुरुआत उन्हें भी मिली। उसके बाद थोड़ा सा बदलाव शुरू हुआ, और वो बदलाव तो कुछ तो मेरी समझ में आया नहीं। कुछ ऑस्ट्रेलिया से बाद में समझेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि क्रिस लिन को उन्होंने बैटिंग पे नहीं भेजा ऑलमोस्ट, मतलब एंड में भेजेंगे भैया, वो स्पिन नहीं खेलेंगे। क्यों भाई, मतलब फास्ट बॉलिंग अच्छी खेलते हैं लेकिन क्या स्पिन बिल्कुल नहीं खेलना जानते, समझ के बिल्कुल परे थी बात। मैक्सवेल को थोड़ा सा ऊपर भेजा, कुल मिला के जद्दोजहद करते हुए एलेक्स केरी ने थोड़े से रन बनाए। मुझे वैसे थोड़ी थोड़ी माइकल हसी की याद दिलाते हैं, उतना अच्छा खेलने में टाइम लगेगा, लेकिन वो अंदाज वही है लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज का। और भारतीय टीम में क्रुणाल पंड्या के फैक्टर, 4 विकेट उन्होंने चटकाए। थोड़े भाग्यशाली भी थे कि सामने वाली शॉट्स कुछ तो ऐसी थी, क्या शॉट्स हैं यार, ऐसे शॉट थोड़ी ना लगाते हैं। व्हेन यू नो दिस, यू आर इन द मिडल ऑफ अ T20 इनिंग्स, स्लॉग ओवर तो शुरू भी नहीं हुए थे। कुलदीप यादव वंस अगेन वेरी इकोनॉमिकल, जसप्रीत बुमराह थोड़े महंगे, लेकिन महंगे क्यों, क्योंकि वो सबसे डिफिकल्ट ओवर्स डालते हैं। वो नंबर 6 का जो आखिरी पावर प्ले का ओवर है वो डालते हैं, डेथ में ओवर डालते हैं, तो ऐसे गेंदबाज को थोड़ी ज्यादा पिटाई लगती है। खलील एक बार फिर थोड़ा 50-50 रहा है मेरे विचार में। जब आई बल्लेबाजी बैटिंग की, तो फिर जब बल्लेबाजी नहीं, जब बारी आई बैटिंग की, तो 165 पार फॉर द कोर्स। लेकिन जो शुरुआत की, क्या शुरुआत की, शिखर एकदम बेफिक्र यार, सॉलिड पिटाई। पहले 6 ओवर में मुकाबला बिल्कुल भारत की तरफ उसको उन्होंने धकेल दिया, पलड़ा बिल्कुल भारी कर दिया। मिचेल स्टार्क ने विकेट तो चटकाई, लेकिन वो जो ओवर था ना, उसने अंत में खेल के रंग रूप को बदला, क्योंकि वो तीसरा ओवर था उनका। अगर शिखर और रोहित आउट नहीं होते और इस तरह से खेलते रहते, तो फिर स्टार्क वो ओवर नहीं डालते, वो नहीं डालते तो एंड में दो रहते तो नतीजा शायद कुछ और होता। तो फिर शिखर धवन आउटस्टैंडिंग पारी, इम्पैक्टफुल पारी। रोहित शर्मा एक बार फिर स्पिनर पे आउट हो गए, मुझे थोड़ी सी परेशानी है। KL राहुल, मुझे थोड़ी सी परेशानी है जिस तरह से उन्होंने शॉट लगा के आउट हुए। ऋषभ पंत, नॉट माई वे एंड दी हाई वे ऑल द टाइम बॉस, रन और बनाने पड़ेंगे। एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं था शॉट का। दिनेश कार्तिक वंस अगेन इज प्रूविंग टू बी द फिनिशर, आप ढूंढ रहे हैं ना फिनिशर, अलग अंदाज में कर रहे हैं लेकिन काम बिल्कुल बराबर कर रहे हैं। एंड विराट कोहली द रन मशीन, कोहली ही इज बैक एंड हाउ। पहले मैच में रन नहीं थे, इस मैच में उतनी खूबसूरत पारी नहीं थी, लेकिन पारी खूबसूरत नहीं, पारी ना इफेक्टिव होनी चाहिए। अंत में खड़े रहे, मैच जिता के गए, 1-1 से श्रृंखला को किया बराबर। और भारतीय टीम ने बता दिया कि गुरु इस दौरे पे ना, इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टोर डाउन अंडर, इंडिया ना ये अंडर नहीं रहेगी, थोड़ी सी ऊपर की टीम बनकर खेलेगी। अब आपको क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कॉमेंट करो। 4 लाख का लक्ष्य वो बहुत ज़्यादा दूर है नहीं।